सिक्किम के गैंगटोक में जन्मे रिवाज क्षेत्री का 300 रुपए की पॉकेट मनी से 90 लाख के टर्नओवर तक का सफर। आज की पीढ़ी मेहनत में विश्वास तो करती ही है, साथ में स्मार्ट तरीकों से मेहनत पर अधिक विश्वास करती है। आज जिस युवा व्यक्ति की कहानी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, वो हर युवा के लिए प्रेरणादायक है। आज की ये कहानी एनी टैक्सी के फाउंडर एंड सीईओ रिवाज क्षेत्री की है, जिन्होंने कॉलेज के दूसरे वर्ष में ही अपना बिजनेस शुरू किया। रिवाज क्षेत्री का जन्म 1994 में सिक्किम के गैंगटोक में हुआ। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फॉरेस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। रिवाज के स्वर्गीय पिता पोल्ट्री किसान थे और माता हाउसवाइफ। अपने एक इंटरव्यू में रिवाज बताते हैं, मैंने एनी टैक्सी की शुरुआत अपने कॉलेज के दूसरे वर्ष में की थी, इसलिए शुरुआत में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैंने 300 रुपए में डोमेन नाम खरीद कर ये बिजनेस शुरू किया। पहले ही दिन मैं समझ गया कि जिस जगह पर मैं अपनी कंपनी को देखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने इसे 2013 में शुरू किया और 2017 में एप्लीकेशन को डेवलप और लॉन्च किया। रिवाज जानते थे कि उनकी ये यात्रा आसान नहीं रहने वाली, लेकिन उनका दृष्टिकोण और दृढ़ता दोनों ही प्रबल थी। रिवाज को अपनी इस यात्रा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी कभी भी उन्होंने पीछे हटने का नहीं सोचा। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक कार रेंटल कंपनी पर विश्वास नहीं था। बहुत सारे ट्रेवल एजेंट्स ने उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। लेकिन फिर एक बार रिवाज की किस्मत बदली। पिछले साल ही गीत गहरा को बोर्ड में शामिल किया गया। उन्हें उनके बिजनेस प्लान के लिए YLC के द्वारा 5 लाख का कैश प्राइस भी मिला। उन्होंने सारा पैसा एप्लीकेशन डेवलप करने में लगा दिया और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिवाज कहते हैं, मैं गैंगटोक में पला बढ़ा, मेरी यही सोच थी कि मैं सिक्किम के लॉजिस्टिक्स की समस्या का समाधान करूं। यहाँ के लोग सफर के दौरान बहुत सी समस्याएं झेलते हैं। जब मैं अरुणाचल प्रदेश में पढ़ाई कर रहा था, तब केवल बस ही सफर का एकमात्र साधन थी, जो गुवाहाटी से आती थी। एक दिन मुझे ये आइडिया मिला, जिससे हमारे क्षेत्र में यातायात के लिए लग्जरी गाड़ियों का प्रयोग शुरू हुआ और इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई। मैं अभी भी इस क्षेत्र की यातायात की व्यवस्था सुधारने में लगा हूँ। पहले ही दिन से बिजनेस मॉडल कमीशन के आधार पर किया गया था। रिवाज ने न केवल 300 रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत की थी, इस बिजनेस की सारी कमाई उन्होंने उसी में लगा दी। आज 5 सदस्य उनकी कोर टीम में हैं और 26 कर्मचारी 5 ब्रांच में काम करते हैं। आज एनी टैक्सी का वार्षिक टर्नओवर 90 लाख रुपए के आसपास है। इनकी 5 ब्रांच गैंगटोक, दार्जिलिंग, तवांग, गुवाहाटी और शिलोंग में है। रिवाज बताते हैं कि जब मुझे ये आइडिया आया, तब मुझे पता था भले ही मेरी ये यात्रा आसान ना हो, लेकिन सफल जरूर होगी। वाकई रिवाज छेत्री जैसे युवा अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों को प्रेरित करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए और देश के लिए कुछ करने को। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।